हेलो फ्रेंड्स, आप कभी ना कभी हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर आपको ताकत की टॉनिक कहकर जो टॉनिक देता है, क्या इनसे रियल में ताकत आती है या इन्हें केवल सेल करने के लिए ही ताकत की टॉनिक कहकर दिया जाता है? इसके लिए पहले हमें इनके कंटेंट देखने होंगे। हमारे पास है मल्टीविटामिन सिरप और एल्डरविट रेड सिरप। इसके कंटेंट्स में कुछ मिनरल्स हैं जैसे कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन्स में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट 0 दिया हुआ है। उसी प्रकार इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट 0 दिया हुआ है। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से हमें एनर्जी या ऊर्जा मिलती है, न कि विटामिन मिनरल से। विकिपीडिया के अनुसार विटामिन स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते। विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। इसका मतलब ये मल्टीविटामिन सिरप या टॉनिक हमें एनर्जी या ताकत नहीं देते। जो भी हमें विटामिन की ज़रूरत है वो हमें दैनिक आहार से पूरी हो जाती है, विटामिन डी छोड़ के। इन टॉनिक के सेवन से न ही हमें ताकत मिलती है और न ही इन टॉनिक के लगातार सेवन से हमें भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा विटामिन के सेवन से आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। विटामिन की ज़रूरत हमें डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ेस में ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्वस्थ हैं, नित्य आहार ले रहे हैं, सैलेड, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो इन टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अपने आप से कोई भी विटामिन नहीं लें, डॉक्टर की सलाह से ही इनका उपयोग करें।